दोस्तों, दुनिया में कोई भी सेक्टर है, कोई भी बिजनेस है, वहाँ पर डिमांड और सप्लाई बैलेंस रहता है। यदि डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, यदि डिमांड घटता है तो सप्लाई कम करना पड़ता है। सिर्फ भारतीय रेलवे को छोड़ के, भारतीय रेलवे में डिमांड तो है पर गवर्नमेंट सप्लाई नहीं दे पा रही है। लेकिन अब वर्तमान की जो गवर्नमेंट है वो रेलवे को बूस्ट करना चाहती है और रेलवे की सर्विसेज और इम्प्रूव करना चाहती है और वेटिंग लिस्ट घटाना चाहती है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ रुपये का फंड्स रखा है और 25-26 तक कंप्लीट होने का टारगेट लिया गया है। और इसको कंप्लीट होने में जो शेयर हमारी बूम करेगी और जिस शेयर को ज़्यादा मुनाफा होने वाला है, आज मैं वो शेयर कुछ लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें से हमारी पहली कंपनी है तितागढ़ रेल सिस्टम। तितागढ़ रेल सिस्टम एक प्राइवेट कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका आप रिटर्न देखेंगे 6 महीने में 177% और इस साल में 330% का रिटर्न दे दिया है। मतलब पिछले जनवरी से इस जनवरी तक में 330% रिटर्न दे दी, और एक साल का देखेंगे तो 439 क्या रिटर्न दिया, और 5 साल में 1315% का रिटर्न दिया है। पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया है और आने वाले समय में भी ये मल्टीप्लाई कर सकती है, क्योंकि ये और इसका मार्केट कैप अभी मात्र 12,000 करोड़ की है। दूसरी हमारी कंपनी है जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन भी एक प्राइवेट कंपनी है जो वैगन बनाती है, कोच बनाती है रेलवे के और कुछ पार्ट्स बनाती है। इसके रिटर्न देखेंगे तो 6 महीने में ये भी 150% का रिटर्न और इस साल में 241% का रिटर्न दे चुकी है। एक साल में 281% का इसका भी रिटर्न है और 5 साल में 520% का जबरदस्त रिटर्न दे चुकी है, और मैक्सिमम भी 520 ही है, और 2022 की ही कंपनी आई हुई है और 519% का रिटर्न दे चुकी है। तो इतने जबरदस्त रिटर्न दी है, क्योंकि अभी आने वाले समय में रेल और डिफेंस सेक्टर जो है बूम होने वाला है, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ रेलवे स्टॉक कुछ बता रहा हूँ, और आगे एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो अभी बहुत ही मतलब 24-25 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, आगे हम देखेंगे। दूसरी हमारी है रेल विकास निगम लिमिटेड। RVNL ने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं, 6 महीने में 36% और इस साल में 138% का रिटर्न दिया है, लगातार जंप किया है। एक साल में 121% और 5 साल का रिटर्न देखेंगे 730%, लगातार भागी है और पैसे बना के दिए हैं, और मैक्सिमम इसका रिटर्न देखेंगे तो ये 730% ही है, जिसका मार्केट कैप 34 करोड़ की है। क्या आप बता सकते हैं कि एक और कौन सी कंपनी है जो इंडियन रेलवे के लिए काम करती है और बिल्कुल मोनोपोली कंपनी है और उसमें कोई भी दूसरा एंट्री नहीं ले सकता? यदि आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दूसरी हमारी कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल का आप 1 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 16-17%, 6 महीने में 100% का रिटर्न दे दी और 172% इस साल में जनवरी से अभी तक में 172%, और इसका एक साल का 178 और 5 साल में 280 के आसपास, और मैक्सिमम 292 के आसपास है। इसका मार्केट कैप अभी 15,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ की ही कंपनी है, इसलिए ये आने वाले समय में हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है, बड़े रिटर्न दे सकती है। जो दूसरी कंपनी है जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही नैनो कैप की कंपनी है, इसका मार्केट कैप देखो आप 24,000 करोड़ से भी नीचे हैं, बहुत छोटी कंपनी, इतनी छोटी कंपनी है कि ये सिर्फ 1,000 रुपये यदि इसमें कोई लगा दे और उसको छोड़ दे तो उस 1,000 रुपये को ये कई लाख बना सकती है, इतना इसमें पोटेंशियल है। लेकिन ये रेलवे की पार्ट्स बनाती है और इसमें रिस्क भी उतना है, क्योंकि छोटी कंपनी है, ये अपना डेब्ट मैनेज नहीं कर पाया, बैलेंस नहीं कर पाया, तो ये कंपनी कर्ज में चली जाएगी और फिर परफॉर्मेंस इसका धीरे धीरे घटता चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये अभी कंपनी चल रही है, 6 महीने में 6% का रिटर्न, इस साल में 12% रिटर्न दे चुकी है, और एक साल में आप देखेंगे तो जहाँ थी वहीं पे अभी भी ट्रेड कर रही, बल्कि नुकसान में ही है। लेकिन 5 साल में 182% रिटर्न दी है और मैक्सिमम देखेंगे तो 371% की दी है। 2017 में आई है कंपनी और 2017 से अभी तक ये
ऊपर नीचे करके जा रही है, और जैसे जैसे इसके रिजल्ट अच्छे होंगे इसमें एंट्री होगा फॉरेन इन्वेस्टर का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का, बड़े इन्वेस्टर का, और उसके बाद शेयर में जंप लगने लगेगा। जी, जो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी रेलवे की कंपनी है जो मोनोपोली है, वो IRCTC है। मतलब आपको ऑनलाइन टिकट कहीं भी लेना है, कहीं भी परचेज करना है, तो सिर्फ IRCTC से ही परचेज कर सकते हैं, या दूसरे कहीं भी परचेज करेंगे तो वो इसी का एफिलिएट पार्टनर है। मतलब वहाँ उसको एक छोटा सा कमीशन देके और बाकी कमीशन इसके पास ही आएगा। तो आप इस शेयर पे भी नज़र रख सकते हैं, ये भी मोनोपोली है, ये भी हमें बड़ी रिटर्न दे सकती है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल गेट रिच आइडिया को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद।